नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की एक नई और ताज़ा वीडियो में। तो चलिए मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 मई शनिवार आपके राशि के महाराशिफल के बारे में। सबसे पहले जिन जिन का आज बर्थडे या फिर मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा से आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए मित्रों, जानते हैं इसी के साथ आज 21 मई शनिवार का दिन आपके लिए कैसा व्यतीत होगा। शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। मित्रों आज 21 मई 2022 दिन शनिवार और कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 2:59 तक रहेगी। इसके पश्चात नक्षत्र की अगर बात करें तो श्रवण नक्षत्र रात्रि 11:46 तक रहेगा। इसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। आज का अभिजित मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 11:57 से 12:50 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय सुबह 9:05 से 10:44 तक रहेगा। याद रखिएगा मित्रों, इस समय कोई भी नए और शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, अन्यथा कार्यों में विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। वहीं मित्रों, सूर्यदेव आज वृषभ राशि में विराजमान है और चंद्रमा कर्क राशि में संचार करेगा पूरे दिन रात। तो आइए इस ग्रह गोचर को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं आज का संपूर्ण राशिफल। दोस्तों इस समय ग्रह स्थिति में परिवर्तन आपके लिए बेहतरीन उपलब्धियां बनाएगा। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर असामंजस्य की स्थिति में अनुभवी लोगों के साथ सलाह मशवरा करना आपको निश्चित ही उचित समाधान मिलेगा और मकसद का भी हल निकलेगा। वहीं दोस्तों अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय सामाजिक बने रहना भी बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत व्यस्तता के साथ साथ रिश्तों को भी सहेज रखना बेहद जरूरी है। कभी कभी अपने गुस्से और आवेश ऐसे स्वभाव की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा और गुस्सा करने से अभी आपको बचना होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, इस समय घर हो या बिजनेस रख रखाव और मरम्मत संबंधी योजनाएं बन रही है, तो इस समय आपका अनुकूल है, समय का सदुपयोग करें। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें आपका कोई भी कार्य करने से पहले वो देखिए उसकी पूरी योजना और प्रारूप बनाना आपको गलती होने से बचाएगा। इस समय ध्यान रखिएगा और भाइयों तथा नज़दीकी संबंध के साथ किसी वजह से संबंध खराब होने की स्थिति बन रही है, थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें, बाहरी गतिविधियों में समय व्यर्थ ना करें क्योंकि इसके कोई भी उचित परिणाम हासिल नहीं होंगे। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, यह समय सामाजिक या सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में आपका खास योगदान रहेगा। अपनी बौद्धिक क्षमता तथा व्यवहार कुशलता द्वारा पारिवारिक हासिल करेंगे और संतान के कैरियर संबंधी कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नतापूर्ण माहौल रहेगा। दूसरों के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें तथा अपने काम से ही मतलब रखें, ये आपके निशा रहेगा। आपका बहुत अधिक अनुशासित होना भी दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। इस समय अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना बेहद जरूरी है। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें इस समय उधार दिया हुआ या अटका हुआ पैसा मिल जाने से देखिए आपका योजनाबद्ध तरीके से काम व अपनी दिनचर्या कार्य को करना आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में सहायता करेगा। कुछ समय बच्चों के साथ व्यतीत करने से उनका मनोबल बढ़ेगा और प्यार में एक यह और आपके परिवार में प्रगाढ़ता लाएगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई के प्रति लापरवाही करना नुकसानदायक रह सकता है। सोशल मीडिया तथा फालतू बातों में पढ़कर अपने कैरियर के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न करें, किसी भी यात्रा से परहेज करना क्योंकि कोई भी लाभ की संभावना नहीं है, आपको समय यात्रा के दौरान नुकसान भी हो सकता है।
वही दोस्तों, अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय कार्य क्षेत्र में किसी भी गतिविधियों को हालात की वजह से कल पर ना टालें, क्योंकि उचित समय पर किए गए कार्यों के परिणाम भी बेहतर ही मिलते हैं। सहयोगी तथा कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग बना रहेगा। इस समय सरकारी कार्यालय में इस समय नीतियों पर विचार विमर्श होगा और इस समय एक दूसरे पर आपको अधिक से अधिक भरोसा रखना होगा। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके बिजनेस के लिए जो समय होंगे, यह समय व्यावसायिक गतिविधियों में आपको किसी काम की अथॉरिटी प्राप्त हो सकती है। इसे समय अनुसार पूरा करने के आपके लिए लाभदायक स्थितियां भी बनेगी। नौकरी पेशा लोगों को अपना टारगेट पूरा करने के लिए अभी और अधिक मेहनत की जरूरत है। लापरवाही या समय की बर्बादी आपको समय नुकसान होगा और पछतावा हो सकता है। इस समय आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता रहे, कार्यस्थल पर उचित व्यस्तता बनाए रखने के लिए अपनी उपस्थिति और फोकस रखना बेहद जरूरी है। दिक्कतों का सामना करना भी पड़ सकता है, परंतु इसके लिए भाग्य को दोष ना देकर अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाएं। वर्तमान परिस्थितियों में देखते हुए समय बनाकर रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। वही दोस्तों, आपके कैरियर के लिए जो समय होंगे, यह समय व्यवसाय में किसी नए काम को शुरू करने अथवा विस्तार संबंधी योजनाएं बना रहे हैं तो अभी उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन कुछ खास उपलब्धि वाला रहेगा। सहकर्मियों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा, एक दूसरे का अभी आपको सपोर्ट मिलेगा। वही दोस्तों, अगर आपकी नौकरी बिजनेस के लिए बात करें तो यह समय व्यवसाय में डिप्रेशन के साथ साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान दें। इसके लिए फैसले आपकी शुरुआत में कुछ दिक्कतें और परेशानियां आएगी, अभी अपेक्षित लाभ की हासिल नहीं होगा। नौकरी पेशा लोगों को उनकी उचित कार्य क्षमता की वजह से प्रमोशन भी मिल सकता है। आप इस समय स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह भी इस समय मिल सकता है। कुछ समय अपने माता पिता के साथ, घर के बच्चों के साथ, अपने लव पार्टनर के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें, इससे संबंधों में और प्रगाढ़ता होगी। वहीं दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय पति पत्नी आपसी संबंधों के बीच चल रही गलतफहमियों का समय रहते इनका निवारण कर लें। प्रेम प्रसंगों में नज़दीकियाँ बनी रहेगी। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, यह समय जीवन साथी तथा परिवारजनों का पूर्ण सहयोग रहेगा। प्रेम प्रसंगों में किसी वजह से दूरियां आ सकता है, इस समय आपको छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना होगा और कुछ गलतियों को माफ़ करना होगा, ये आपके लिए बेहतर साबित होंगी। वहीं दोस्तों, अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो यह समय स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर रहेगा, एलर्जी व पेट से संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसके लिए आपको कुछ समय योगा मेडिटेशन में जरूर देना होगा और अपने खान पान व दिनचर्या में कुछ परिवर्तन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी शुभ रंग और शुभ अंक को लेकर बात करें तो आज आपका शुभ रंग बादामी कलर है, भाग्यशाली अंक आज आपका 3 है। दोस्तों, जानकारियों से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सर्वप्रथम हमसे जुड़िए। दोस्तों, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो। माता रानी की कृपा से आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। धन्यवाद।